देखने में भोला भाला, चेहरे पर कातिलाना मुस्कान, दोनों हाथों में बंदूकें, अचूक निशाना। ये तारूफ है पंजाब के सबसे हैंडसम गैंगस्टर सुखवीर सिंह उर्फ सुखा कहलवा की, जिसने महज 21 साल की उम्र में पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के इलाकों में ऐसी दहशत बना ली थी कि बड़ा सा बड़ा गैंगस्टर भी उससे कांपता था। सुखा कहलवा भले ही एक गैंगस्टर था, लेकिन पंजाब के नौजवानों के बीच किसी हीरो से कम नहीं था। जिस तरह शेर का शिकार सिर्फ बंद पिंजरे में ही किया जा सकता है, उसी तरह सुखा कहलवा को भी पुलिस हिरासत में गोलियों से छलनी करके मौत के घाट उतार दिया गया। लेकिन कुछ दिनों के बाद सोशल मीडिया पर गहमा गहमी बढ़ गई कि सुखा कहलवा मरा नहीं, अभी जिंदा है। तो क्या सच में सुखा कहलवा ने पांचवी बार फिर से मौत को चकमा दे दिया था? इसका जवाब आपको इसी वीडियो में मिल जाएगा, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। गैंगस्टर तो आपने बहुत देखे होंगे, लेकिन यकीन मानिए इतना हैंडसम और दिलजला गैंगस्टर आपने कभी नहीं देखा होगा। सुखा कहलवा की जिंदगी एक आम लड़के की तरह बहुत अच्छे से चल रही थी। उसके पास सब कुछ था, एक गर्लफ्रेंड थी, एक भाई था, 150 एकड़ जमीन थी और NRI माता पिता थे। फिर भी सब कुछ होते हुए वो पंजाब का सबसे बड़ा गैंगस्टर कैसे बन गया? उसे पंजाब का शार्प शूटर क्यों कहा जाने लगा और पूरे उत्तर भारत के सभी गैंगस्टर उससे क्यों डरने लगे और उसे इतनी बेरहमी से क्यों मार दिया गया? एक एक करके हम सुखा कहलवा की जिंदगी के पन्ने पलटेंगे। तारीख 21 जून 1987, गांव कहलवा। इसी दिन एक अमेरिकन NRI सुदर्शन सिंह और हरजिंदर कौर के घर सुखवीर का जन्म हुआ। घर वाले प्यार से सुखवीर को सुखा बुलाने लगे। कहलवा उसने बाद में गांव के नाम पर लगाना शुरू कर दिया। सुखा का भी अपने माता पिता की तरह बचपन से ही एक सपना था किसी तरह अमेरिका जाकर सेटल हो जाना। लेकिन गांव में एक मामूली से झगड़े के चलते सब गड़बड़ हो गई। गांव में दो गुटों के आपसी झगड़े में सुखा का नाम बेवजह घसीट लिया गया और मामला पुलिस तक जा पहुंचा, जिस वजह से सुखा का पासपोर्ट नहीं बन सका और ना ही अमेरिका जा सका। जबकि उसके माता पिता सुखा और उसके बड़े भाई सोनू कहलवा को मौसी के घर छोड़कर US चले गए। 11 अक्टूबर 2008 को सुखा ने अपनी गर्लफ्रेंड से शादी कर ली। सुखा की गर्लफ्रेंड एक बड़े रिसोर्ट मालिक की बेटी थी, जो इस शादी के लिए राजी नहीं थे। लेकिन सुखा के दोस्तों ने मिलकर इन दोनों की कोर्ट मैरिज करवा दी, जिस वजह से हार मानकर लड़की के घर वालों को राजी होना पड़ा। लड़की के परिवार वालों ने किसी तरह जुगाड़ से सुखा का पासपोर्ट बनवा दिया। अब सुखा पत्नी के साथ ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट हो गया, क्योंकि सुखा की पत्नी ऑस्ट्रेलिया में किसी बड़े कंपनी में जॉब करती थी। कुछ महीनों तक दोनों के बीच सब कुछ ठीक ठाक रहा। पत्नी जॉब करती थी और सुखा घर संभालता था। पत्नी हमेशा सुखा को जॉब करने के लिए कहा करती थी, लेकिन ग्रेजुएशन पूरा न होने के कारण सुखा को कोई ढंग की नौकरी नहीं मिली, इसलिए वो टैक्सी चलाने लगा, जिस वजह से सुखा का अधिकतर समय घर के बाहर ही बीतने लगा। इसी बीच सुखा को अपनी पत्नी पर शक होने लगा कि उसका अफेयर किसी और मर्द से है, और जैसे ही ये शक यकीन में बदला, दिल का जला सुखा तुरंत फ्लाइट पकड़कर सीधे अपने घर कहलवा पहुंच गया और कोर्ट में जाकर तलाक की अर्जी दे दी। और यहीं से सुखा की जिंदगी 360 डिग्री बदल गई। सुखा अब बुरी संगत में पड़ गया। देखते ही देखते सुखा कहलवा टॉप के गैंगस्टर विक्की गोंडर, प्रेम लाहौरिया, लॉरेंस बिश्नोई और लवली बाबा का जिगरी दोस्त बन गया। लेकिन ये दोस्ती ज़्यादा दिनों तक नहीं चली। कहा जाता है एक लड़की के खातिर लवली बाबा और सुखा कहलवा में ये जिगरी दोस्ती जानी दुश्मनी में बदल गई। सुखा कहलवा उस लड़की को अपनी बहन मानता था और लवली बाबा ने उसके साथ धोखा किया, जिस वजह से दोनों के बीच दरार पड़ गई। दोनों अब एक दूसरे की नज़रों में खटकने लगे और एक दूसरे को मारने की योजना बनाने लगे। इस आँख मिचौली में आखिर सुखा की जीत हुई और एक दिन एक जिम में मौका पाते ही सुखा ने लवली बाबा के सीने में तेज दनादन कई गोलियां उतार दी। इस हादसे के बाद सुखा अब जालंधर शिफ्ट हो गया। रोज रोज उसके खिलाफ नए नए केस दर्ज होने लगे। देखते ही देखते सुखा कहलवा पंजाब के अखबारों और न्यूज चैनलों पर सनसनी बनकर उभरने लगा और पंजाब का अचूक निशाने वाला सबसे बड़ा शार्प शूटर बन गया। ऐसा कहा जाता है सुखा के दिमाग पर क्राइम का ऐसा नशा छाया कि उसने दांतों से ही एक इंसान का गला काटकर हत्या कर दी। इस घटना के बाद से पंजाब में न सिर्फ आम लोगों में सुखा के नाम की दहशत फैल गई, बल्कि बड़े से बड़े गैंगस्टर भी उसके जुर्म को देखकर कांपने लगे। कुछ ही सालों में सुखा कहलवा पर 48 केस दर्ज हो गए। इन केसों में कत्ल, हत्या की कोशिश, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग, रॉबरी और किडनैपिंग के केस शामिल थे। और साल 2010 में सुखा ने एक BJP के नेता और फगवाड़ा के प्रधान गुरदर्शन ढिल्लो की हत्या कर दी। यह हत्या सरेआम AK-47 चलाकर की गई। इस हत्याकांड के बाद सुखा को पंजाब का बच्चा बच्चा पहचानने लगा। हथियारों को सुखा का बहुत शौक था। रिवॉल्वर के साथ जब वो अपनी तस्वीरें फेसबुक पेज पर अपलोड करता तो उसे लाखों लाइक मिलते थे।
पेशी के वक्त भी सुखा अपनी तस्वीरें खिंचवाता और जेल से ही फेसबुक पर स्टेटस अपलोड करता ताकि शूटर का नाम और दहशत दोनों बनी रहे। अक्टूबर 2015 में सुखा ने संजय दत्त के साथ अपनी तुलना करते हुए एक तस्वीर फेसबुक पर अपलोड की और लिखा, न डर लाली चाली दा, न पुलिस दे हुटर दा, एक जट फैन संजय दत्त दा, ते दूजा कहलवां वाले शूटर दा। सुखा अब टॉप का गैंगस्टर बन चुका था जिस वजह से उसके दुश्मन भी दिन ब दिन बढ़ते जा रहे थे। उसे अब पुलिस हिरासत में भी मौत का डर सताने लगा। इसलिए अक्टूबर 2010 में सुखा पंजाब की जालंधर जेल से फरार हो गया, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद वह फिर पकड़ा गया और उसे पंजाब के रोपड़ जेल में डाल दिया गया। लेकिन फिर 2012 में फिल्मी स्टाइल में सुखा रोपड़ जेल से भी फरार हो गया और भागकर वह राजस्थान में चला गया, जहां राजस्थान में पुलिस से उसकी मुठभेड़ हुई, लेकिन सुखा बच निकला जबकि उसका एक साथी मारा गया। इस मुठभेड़ के बाद सुखा कहलवां उत्तर प्रदेश के मोस्ट वांटेड गैंगस्टर यामीन से मिला और दोनों ने मिलकर हिसार के एक व्यापारी से 4 किलो सोना और 2 लाख कैश उसके दुकान से ही लूट लिया। लेकिन दोनों में लूटे हुए माल के बंटवारे को लेकर विवाद हो गया। चूंकि यह इलाका यामीन का था, इसलिए उसने अपने भांजे और साथियों के साथ मिलकर सुखा का गला रेत कर यमुना में फेंक दिया। लेकिन किस्मत के घोड़े पर सवार सुखा की जान फिर से बच गई। दरअसल स्थानीय लोगों ने सुखा को पानी से निकालकर अस्पताल में भर्ती करा दिया और बाद में सुखा को कानपुर मेडिकल कॉलेज में रिफर करा दिया, जहां हालत ठीक होने के बाद सुखा अपने पिता के दोस्त के यहां पश्चिम बंगाल चला गया और वहां अपना इलाज कराया और गर्म मामले के ठंडा होने का इंतजार करने लगा। लेकिन गोल्ड लूट कांड की वजह से पंजाब पुलिस सुखा के हर करीबी का फोन ट्रेस कर रही थी और अचानक एक दिन सुखा की लोकेशन पश्चिम बंगाल के हावड़ा में ट्रेस कर ली गई। उसके बाद फिर से सुखा को गिरफ्तार कर लिया गया। इस बार सुखा को पंजाब की नाभा जेल में रखा गया, जहां कुछ दिनों के बाद उसे खबर मिली कि उसके बड़े भाई सोनू कहलवा की कपूरथला जेल में मौत हो गई है। अफवाह यह उड़ी कि दूसरे गैंगस्टर ने सोनू कहलवा की जान ली, लेकिन पुलिस रिपोर्ट में खराब तबीयत और सही इलाज न मिलने की वजह बताई गई। इसी बीच सुखा कहलवा के मौत की सुपारी भी लवली बाबा के जिगरी दोस्त सोनू बाबा ने 5 लाख रुपये में हरजिंदर सिंह उर्फ बिक्की गोंडर को दे दी। दरअसल सुखा ने लवली बाबा का कत्ल कर दिया था, जिस वजह से सोनू सुखा के खिलाफ कोर्ट में गवाही दे रहा था। इस गवाही के दौरान ही सुखा कहलवा और सोनू बाबा के बीच कोर्ट परिसर में ही लड़ाई हुई और सोनू ने सुखा को थप्पड़ मार दिया। तमतमाए सुखा ने सोनू बाबा को कोर्ट परिसर में ही जान से मारने की धमकी दे दी। सोनू बाबा को बहुत अच्छे से यह मालूम था कि अगर सुखा कहलवा जेल से बाहर निकल गया तो उसकी मौत निश्चित है, इसलिए सोनू बाबा सुखा के बाहर निकलने से पहले ही उसका खेल खत्म करने का यह प्लान बनाया और विक्की गोंडर से जा मिला। विक्की गोंडर को अपने पुराने जिगरी दोस्त लवली बाबा का सुखा कहलवा से बदला भी लेना था। 21 जनवरी 2015 को सुखा कहलवा को नाभा जेल से वापस ले जाया जा रहा था। इस बात की खबर सोनू बाबा को पहले ही लग गई थी, इसलिए उसने विक्की गोंडर और उसके दोस्तों को पूरी प्लानिंग बताई। गोंडर गैंग ने एक दिन पहले ही 2 फार्चूनर गाड़ियां और कुछ असलहों की चोरी की। उसके बाद करीब दर्जन भर लोगों ने सुखा कहलवा को ले जा रहे गाड़ी को फगवाड़ा नेशनल हाईवे पर जमालपुर में जाकर घेर लिया। विक्की गोंडर गैंग ने पहले जीप के टायर को निशाना बनाया, उसके बाद जीप में सवार सभी पुलिस वालों को बाहर निकालकर सुखा कहलवा पर गोलियों की बौछार कर दी, जिससे सुखा कहलवा की मौके पर ही मौत हो गई। उसके बाद गोंडर गैंग ने सुखा की लाश को बीच सड़क पर रखकर चारों तरफ भांगड़ा किया और बंदूक लहराते हुए हवा में गोलियां दागी और जाते जाते ये ऐलान कर गए कि सुखा कहलवा को विक्की गोंडर गैंग ने मारा है। बताया जाता है कि पोस्टमार्टम के दौरान सुखा कहलवा की बॉडी से 100 बुलेट्स निकाली गईं। कहा जाता है कि हत्या में कुछ पुलिस वाले भी शामिल थे, लेकिन सच क्या था आज तक पता नहीं चल सका और कुछ गुनाहगारों को छोड़कर बाकी सब बरी हो गए। कुछ दिन मामला शांत रहने के बाद साल 2020 में पंजाब में फिर से सुखा के चर्चे शुरू हो गए। उसके फेसबुक पेज पर गहमा गहमी बढ़ गई कि सुखा अभी जिंदा है। उसके फैंस तरह तरह के कमेंट करने लगे और पोस्ट शेयर करने लगे, लेकिन कुछ दिनों के बाद हकीकत सामने आई तो पता चला कि सुखा कहलवा के लाइफ पर एक मूवी बन चुकी है, शूटर। मूवी में सुखा के जन्म और लव लाइफ से लेकर उसके गैंगस्टर बनने तक पूरी कहानी थी। फिल्म रिलीज होती उससे पहले ही बैन कर दी गई। दरअसल खुद पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने शूटर को रिलीज होने से रुकवा दिया, क्योंकि मूवी में गन और गैंगस्टर कल्चर को बढ़ावा दिया गया था। दोस्तों, ये थी कहानी पंजाब के सबसे हैंडसम गैंगस्टर सुखवीर उर्फ सुखा कहलवा की, जिसने महज 21 साल की उम्र में ही बंदूक उठा ली और पंजाब का सबसे बड़ा शार्प शूटर बन गया। दोस्तों, सुखा कहलवा के गैंगस्टर बनने के पीछे आप किसे जिम्मेदार मानते हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।